पूरे विश्व का जितना भी जिसके भी जो जो जिसके प्रति जिनकी श्रद्धा है पंथ धर्म के प्रति, ऐसे तो धर्म एक सत्य सनातनी है, लेकिन उसके अलावा भी जहाँ जहाँ जिसने अपना अपना कोई पंथ प्रारंभ किया है, तो जितने भी पूरे विश्व में उसमें ये जो तप शब्द है महाराज, ये तप शब्द केवल सनातन में ही मिलेगा आपका। और तप शब्द का अर्थ होता है द्वंद्व सहन करना। आज कहीं भी आप चले जाओ कोई सुखी नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई भी एडजस्ट नहीं होना चाहता। आज लड़कियों की उम्र 32-35 साल की हो गई है, रिश्ते मिल भी रहे हैं पर वो बेचारे नहीं मिल रहे, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं होना चाहते। हर व्यक्ति केवल अपना कंफर्ट जोन देखता है, हर व्यक्ति केवल अपने सुख की कामना करता है। मैं सुखी हो जाऊं उसके बदले चाहे पड़ोसी सब दुखी हो जाए, परिवार वाले सब दुखी हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ जो तप शब्द था, तप का अर्थ केवल ये नहीं कि हिमालय पर बैठो आप -8-10 डिग्री टेम्परेचर में, ना 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 ना, तप शब्द का अर्थ होता था द्वंद्व सहन करना। जैसे हमारी सब माताएं बैठी है, ग्रस्त जीवन को संभालते संभालते आप लोग जीवन में इतने समझौते कर लेती हैं, इतना एडजस्ट कर लेती हैं, इतने द्वंद्वों को सहन कर लेती है कि महाराज जीवन बीतते बीतते आप में इतनी परिपक्वता जीवन में आ जाती है। और वो एक कारण रहता है केवल जीवन भर की तपस्या। तप शब्द का अर्थ ही द्वंद्व सहन करना है, तप शब्द का अर्थ ही एडजस्टमेंट है। तो जीवन में जितना हम एडजस्ट करते जाते हैं, जितने हम द्वंद्वों को सहन करते जाते हैं, जितना हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, उतना ही हमारे अंदर की परिपक्वता हम में आती रहती है। आजकल धीरे धीरे वो तप शब्द समाप्त हो गए। अब आप देखो गृहस्थियों को, ग्रस्त जीवन को तो कोई भी एडजस्ट नहीं होना चाहता। आज तो इतनी बड़ी विडंबना है, पहले जब रिश्ता होता था तो लोग पूछते थे चाचा मामा सब है, दादा नानी सब। आजकल तो महाराज ये पूछा जाता है कि सास ससुर तो नहीं है, तो हम बिल्कुल रहेंगे नहीं साथ में। और अब दिल्ली जब आए तो और अनुभव ज्यादा हो गए। जिस माता पिता ने, अब विचार करें, जिन माता पिता ने पहले तो माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, कोख में रखने के बाद फिर बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, अपने जीवन में सब समझौते किए करके बेटे को योग्य बना, बनाने के बाद फिर वो बुढ़ापे का सारा समझ करके बेचारी लगे रहे जीवन भर समझौते में, और आज आकर के बहू कहें कि भैया हमारी तो ये शिकायत बस एक ही है कि हम रहेंगे तो अलग रहेंगे, हम ना सास ससुर के साथ हम तो रह ही नहीं सकते। तो ये तप शब्द चला गया, और ये केवल युग का प्रभाव है। मैं निवेदन करूं महाराज जी, 5 प्रकार के दोष हैं। उस दोष में कालज भी दोष है, काल जो समय चल रहा है, जो कालखंड चल रहा है, कलिकाल का प्रभाव इतना है। अच्छा छोड़ो, हम तो तप कह रहे ना, नारद जी तो कह रहे हैं सत्यम नासती, सत्य भी नहीं है। पुराने लोग आप बैठे हैं जितने, पहले अगर कोई कहते भाई झूठ बोल दो 10,000 मिलेंगे, वो कहते बिल्कुल नहीं, हम बाल बच्चे वाले हैं, हम भला झूठ कैसे बोल सकते हैं, हमारे घर में बच्चे हैं। और आजकल को कहते झूठ बोल दो 10,000 मिलेंगे, कहते बिल्कुल, क्यों? कहते हम बाल बच्चे वाले हैं, झूठ नहीं बोलेंगे तो खाएंगे क्या। अंतर इतना आया वर्तमान में, इतना अंतर आया। पुराने लोग इसलिए झूठ नहीं बोलते थे क्योंकि वो बाल बच्चे वाले होते थे, आजकल इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि वो बाल बच्चे वाले हैं। नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, सत्य की खोज करोगे तो मिलेगा नहीं, निराशा हताशा हाथ लगेगी, इसलिए सत्यम नास्ति, तपह तप नहीं है, विश्वास नहीं होता। कमेटी वाले सब बैठे, आप ना आधे घंटे के लिए एसी बंद कर दो, नहीं अगर आपको प्रैक्टिकल करना यही कर लो ना, आधे घंटे के लिए लाइट चली जाए, आधे घंटे के लिए एसी खराब हो जाए, बेचैनी हो जाएगी। हाँ, हमारे हमारे अंदर जो सहन करने का जो सामर्थ्य था वो हम खो चुके हैं। इतनी सी बात नहीं सुन सकते ना, बहू सुनने को राजी ना, आज गृहस्थी जमती क्यों नहीं है, क्यों? तप नहीं है, हम लोग सुन नहीं सकते, हमारी हमारा ना सुनने की भी कैपेसिटी नहीं है। दो बातें किसी ने कह दी तो झोला उठा करके चल पड़े, दो बातें माँ बाप ने कुछ डांट के कह दिया, पता चला अरे बेटा जहर पी गया, अब माँ बाप भी रो रहे, बेटा तो गया सो अलग से गया। ये चला गया हमारे अंदर का, हमारे अंदर का तप चला गया। हम सहन नहीं, ना हम शब्द सहन कर पा रहे हैं, ना हम व्यवहार सहन कर पा रहे हैं, ना हम संसार के साथ तालमेल प्रकृति के साथ बिठा पा रहे हैं। इसलिए नारद कहते हैं सत्यम नासति तपः, शोचम पवित्रता चली गई। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ
बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।